गिरता है। अभी शुरू करते हैं पाठ। माता का आंचल पाठ के लेखक कौन हैं? यहाँ पर शिवपूजन सहाय पाठ के लेखक हैं। माता का आंचल किसका अंश है? उपन्यास का अंश है ये। लेखक के पिता सुबह क्या किया करते थे? लेखक के पिता सुबह उठ करके पूजा पाठ किया करते थे। भोलानाथ किसे कहा जाता था? भोलानाथ लेखक को कहा जाता था। पूजा के बाद लेखक के पिता क्या किया करते थे? लेखक और उनके भाई को भभूत और तिलक लगाया करते थे। बाबूजी किसका पाठ किया करते थे? रामायण का पाठ किया करते थे। बाबूजी मछलियों को गंगा जी में क्या देते थे? आटे की रोटियां। घर आकर बाबूजी उन्हें किस जगह खाना खिलाते थे? चौके पर। उनकी माँ उन्हें तोता मैना आदि बोल कर के क्या खिलाया करती थी? तो उन्हें दही भात खिलाया जाता था। खाने के बाद वे कहाँ दौड़ पड़ते? वे बाहर की ओर दौड़ जाते थे। प्रश्न है कि माँ लेखक को पकड़ने के लिए क्या करती थी? माँ पकड़ करके उनकी चोटी गूंथकर कुर्ता टोपी पहनाकर उन्हें तैयार कर देती थी। प्रश्न है कि वे चबूतरे पर बैठ करके क्या किया करते थे? कहानी में वह तमाशे और नाटक किया करते थे, यानी लेखक चबूतरे पर बैठकर तमाशा और नाटक किया करता था। लेखक मिठाई की दुकान में पूरियां और जलेबी किसकी बनाया करते थे? जलेबी मिट्टी की और पूरी पत्ते की बनाई जाती थी, पेड़ की पत्तियां तोड़ करके। सभी बच्चे मिलकर के क्या क्या बनाया करते थे? सभी बच्चे मिलकर के घर बनाया करते थे। प्रश्न है कि घर किन चीज़ों से बनाया जाता था? उत्तर है छप्पर, तिनकों से, खंभे, दातून और कढ़ाई दिए से घर बनाया जाता था। प्रश्न है उसी घर में बच्चे पंक्ति में बैठकर क्या करते थे? जीमते थे। जीमना यानी खाना खाते थे वो। प्रश्न है कि वे बारात के जुलूस में क्या करते थे? कनस्तर का तंबूरा बनाते। कनस्तर होता है खाली पीपा या डब्बा लोहे का, और उससे वो तंबूरा बनाते, आम की शहनाई बनाते और समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे। बकरे पर बैठ करके वो बारात में जाया करते थे। प्रश्न है कई बार मित्र मंडली एकत्रित होकर क्या करती? खेती करते थे वो, नकल में, बड़ों की नकल में खेती किया करते थे। प्रश्न है दूल्हे की पालकी देखकर वे क्या करने लगते थे? दूल्हे की पालकी देखकर वे जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। प्रश्न है बच्चों को बूढ़े वर ने किससे मारा? ढेले से मारा। प्रश्न है मूसन तिवारी को बच्चों ने क्या कहा? उत्तर है बुढ़वा बेईमान। प्रश्न है बाबूजी ने बच्चों को पकड़े जाने के बाद कैसे छुड़वाया? उन्होंने मास्टर जी से विनती की। प्रश्न है लेखक और उनके मित्र मकई के खेत में क्या करने लगे? चिड़िया को पकड़ने लगे और गीत गाने लगे। प्रश्न है टीले पर जाकर के उन्होंने क्या किया? टीले पर जाकर के उन्होंने क्या किया था? चूहों के बिल में पानी डाल दिया था। प्रश्न है गणेश जी चूहों की रक्षा के लिए कौन आया? उत्तर है शिव का सांप। प्रश्न है डर के मारे वे कहाँ भाग गए? डर के मारे वे घर को भागे। प्रश्न है वे दोनों किसकी गोद में जाकर के बैठ गए? माँ की गोद में। प्रश्न है डर से कांपते हुए कौन रोने लगा? माँ रोने लगी। प्रश्न है माँ ने घाव भरने के लिए क्या किया? उत्तर है हल्दी लगाई। इसी प्रकार के प्रश्न आपको किसी चैप्टर के और पढ़ने हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आप बता देना, तो मैं वही क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।